हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैप्स लाइफ लाइब्रेरी। तो ये वाला ब्लॉग मेरा हिंदी में होगा क्योंकि ये मैं एक बिहार की वेडिंग में गई थी, मतलब मेरी एक दोस्त की वेडिंग थी, तो शादी था तो मैं उसी में गई थी। और ये वीडियो मैं काफ़ी लेट से अपलोड कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। और ये मैं वर्धमान में हूँ, तो मैं जब भी घर आती हूँ, मैं कोलकाता में रहती हूँ, पर जब भी मैं बिहार आती हूँ तो मैं हमेशा वर्धमान जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, और वहाँ से फिर मैं ट्रेन पकड़ती हूँ बिहार की जाने के लिए। तो अभी हम लोग वर्धमान के स्टेशन पे हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का, तो वो आने ही वाली है। तो देखो कितना भीड़ है, ये शाम का टाइम है, तो हम लोग का ट्रेन था अराउंड 6 बजे, तो हम लोग पहुँच चुके थे स्टेशन पे और हम लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि हमारा सामान भी एक चेक किया गया था, एक मतलब सिक्योरिटी डॉग आया था, तो उसने भी हमारा सामान पूरा स्मेल करके चेक किया। और आजकल सही में मतलब स्टेशन में भी सिक्योरिटी है, बट अच्छा लगा मुझे वर्धमान स्टेशन में भी ऐसा अच्छा सा सिक्योरिटी रखा गया है। तो देखो कितना अच्छा लगता है जब ट्रेन आती है, इस तरह दिखता है वो ब्रिज से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक एक्साइटमेंट भी था कि हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग का ऑलमोस्ट हम लोग वेट करते रहे और देखिए हमारा ट्रेन आने ही वाला है। हम लोगों ने वर्धमान से मुजफ्फरपुर का टिकट कटवाया था, बट बाद में पता चला कि हम लोग को जाना था एक्चुअली दरभंगा। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग मुजफ्फरपुर डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो फिर उल्टा रास्ता पड़ता दरभंगा जाने का। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग वर्धमान से समस्तीपुर जाएंगे, तो फिर वहाँ से फिर एक दूसरा ट्रेन पकड़ के दरभंगा जाएंगे। तो इस तरह सोचा और हम लोग को ट्रेन मिल गई थी और हम लोग ट्रेन पे आ गए। और आते ही हम लोग सोचे कि हम लोग जल्दी से अपना मतलब ये बेडशीट बिछा के अच्छे से डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को रात को समस्तीपुर में उतरना होगा ट्रेन से, और क्योंकि वो अराउंड रात के 12 बजे आने वाला था, 12 के करीब, के करीब। तो शायद हम लोग को पूरी रात नींद नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर हम लोग को समस्तीपुर से एक दूसरा ट्रेन लेना पड़ेगा, और वो अराउंड थी 3:30-4 बजे समस्तीपुर से, जो हमें दरभंगा पहुँचाई 5 बजे। तो फिर वहाँ से फिर ट्रैवल करना होगा, तो होल नाइट हम लोग सो ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम लोग जल्दी से डिनर कर लेते हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं वो क्या होता है कि वो एक टेबल टाइप जैसा लुक है, बट वो सिंगल बर्थ है, मतलब अगर आप सो जाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप सो सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं इशू। बट वही कि पीठ में अगर थोड़ा लगे क्योंकि बीच में डिवीजन है, तो वो बोर्ड एज ए सिंगल बर्थ के यूज़ आता है, तो आप लोग वैसे भी उसको खोल के सो सकते हैं। तो अब हमारी ट्रेन स्टार्ट कर चुकी है वर्धमान से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब हर चीज़ देखने में, हर चीज़ एक मेरे लिए बिहार की वेडिंग एज ए फर्स्ट वेडिंग थी, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रही थी बिहार वेडिंग, मेरे हस्बैंड बिहार से हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट डिनर कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे सोना था, भले ही रात भर नींद इतना अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक था कि 12:30-12:30 आने वाला है समस्तीपुर, हम लोग को उतरना है, तो हम लोग कैसे भी इतना सो नहीं पाए और ट्रेन में सब लोग लेट से सो रहे थे। तो वही हुआ कि जैसा से थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिए, और देखिए रात के अराउंड 12:00-12:30 होने वाला था कि तब हम लोग सब अपना सामान निकाल के रख दिए थे और रेडी कर रहे थे अपने आप को कि समस्तीपुर आते ही हमें फिर से टिकट लेना है और दरभंगा तक। तो हम लोग टिकट ले चुके थे और हम लोग को ट्रेन मिल गई थी अराउंड 4:00, और हम लोग देखो सुबह के 5 बज रहे थे कि हम लोग दरभंगा पहुँच गए। हमारे फ्रेंड का शादी था जून के 2nd वीक में, तो उस टाइम अच्छी खासी गर्मी थी, तो उस गर्मी में भी ये मतलब ये सुबह के टाइम भी मतलब हम लोग को अच्छा लगा कि चलो सुबह का टाइम है तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगा। और यहाँ पे भी वे फ़ोन करने लग गए थे मेरे फ्रेंड को, हमारे फ्रेंड को, कि वो लोग बोले थे कि वो लोग आएंगे हम लोग को पिकअप करने, तो उन्होंने बोला कि एक ऑटो है तो उसमें पिकअप करने आएंगे। तो फिर हम उन्हीं का वेट कर रहे थे और हमारे देश का नेशनल फ्लैग देखते देखते मतलब कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चल रहा था कि इतना अच्छे से वो लहरा रहा था। और देखिए हम लोगों ने सनराइज़ देखा, मतलब इतना अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद हम लोगों ने सनराइज़ देखी, और वो मॉर्निंग में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और सामने पानी और सन सूरज, मतलब इतना अच्छा सा एक व्यू था। और उसके जस्ट ऑपोजिट थोड़ा सा और जाके वहाँ पे एक मंदिर था, बोला जाता है ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा है, ये दरभंगा का बहुत बड़ा मंदिर है,
तो हम लोग को चांस तो नहीं मिला अंदर जाने का, बट हम लोग बाहर से देख लिया और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे ही देखने के बाद उसके बाद हम लोग चले, तो काफ़ी स्पीड में चल रहा था ऑटो बिकॉज खाली रास्ता था और सुबह सुबह रोड सब एकदम खाली, इतने व्हीकल्स नहीं थे, तो एक मतलब हम बहुत ही अच्छा सा एक फील आ रहा था। और फिर हम पहुंचने ही वाले थे, तो देखिए हम पहुंचने वाले हैं। मैं पहुंच के मैंने फटाफट फ्रेश होके मैंने एक येल्लो कलर का कुर्ता विद एक दुपट्टा ले लिया था, क्योंकि सिंस उस दिन मेरे दोस्त की हल्दी थी और उसके पहले वाले दिन मेहंदी हुआ था, और मुझे ब्रेकफास्ट में पूरी और कटहल की सब्ज़ी मिली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर यहाँ पे उनके कुछ रिचुअल स्टार्ट हो गए थे, ये कुछ स्वीट्स मतलब इसको भून के इसको पीस के कुछ बनाना होता है। और देखिए मेहंदी लगाने के लिए मेरे लिए एक लड़की आई थी, मतलब मेहंदी आर्टिस्ट आई थी, और उन्होंने मुझे मेहंदी लगा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्दी जल्दी लगा दिया था एकदम, और मैंने बोला था कि तुम्हें जैसा पसंद हो, तुम्हें जैसा लगे तुम अपने हिसाब से लगा दो, मुझे इतना कुछ चॉइस नहीं है, मेरे को सब पसंद आ जाता है, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे लगा दो। और सही में उसने मुझे बहुत अच्छा लगाया, बहुत छोटी थी और बहुत सुंदर से उसने जल्दी से मेहंदी हम सबका लगा दिया घर पे। और यहाँ पे फिर सुबह कुछ आंटी लोग आए थे, वो लोग गीत गा रहे थे, यहाँ बिहार में गीत को बहुत गाया जाता है शादियों में। और फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो खींचे, और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे मटकोर फिर ब्लॉकी शादी ये सारी वीडियोस अपलोड करूँगी, प्लीज़ आप लोग मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।